चलो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल है Na2B4O7 है। तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट पे फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें बोरॉन पे निकालना है, इसमें फॉस्फोरस पे, और ये देखो क्या ना, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इस वाले में अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है, इस एटम के पास है, यानी आयरन को निकालना है, और इस वाले में इस आयरन को निकालना है। अंडरस्टैंड हो गया? तो आओ देखो एक एक करके इसको सॉल्व करते कैसे किया जाएगा। थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल थे, तो आओ जरा इसको देखते हैं। Na2B4O7 का नाम है बोरैक्स। इसका नाम यूज किया जाता है, बोरैक्स यूज किया जाता है। इसका कॉमन नेम क्या है, बोरैक्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो बोरॉन पे निकालना है स्पेशली। तो क्या एज्यूम करोगे, इसको आप एक्स एज्यूम करोगे, तो चार बोरॉन आपके पास है, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 4x हो जाएगा बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये बेटा 2x हो जाएगा, ये स्पेशली 2 हो जाएगा। देखो तो एक सोडियम जो होता है ना, प्लस वन चार्ज देता है, कितना देता है, प्लस वन चार्ज देता है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, 2 सोडियम बेटा। तो एक सोडियम पे प्लस वन, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। और बोरॉन को क्या एजुम किए हो, एक्स एजुम किए हो, तो टोटल कितने बोरॉन है, 4 है, बताइए कितना हो जाएगा, 4x। एक ऑक्सीजन जो है ना, या एक ऑक्साइड यूजुअली -2 देता है, तो ऐसे कितने हमारे पास है, 7 ऑक्साइड है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 × 7 हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? इसके ऊपर देखो कोई चार्ज नहीं है। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो हम इसको राइट साइड में क्या रखेंगे, 0 एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 + 4x हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 2 + 4x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14 = 0। अब जरा देखो इसमें, तो 2 में से माइनस 14 जाएगा, तो 4x माइनस का बेटा 12 = 0, तो x इज इक्वल टू 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो बोरॉन पे क्या आएगा, 3 इसका चार्ज आएगा। अंडरस्टैंड हो गया? अब जरा चेक करो नेक्स्ट एग्जांपल पे, Mg2P2O7। इसको कैसे करोगे, देखो एक मैग्नीशियम जो होता है कितना चार्ज देता है बेटा, प्लस का 2 देता है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं मैग्नीशियम, 2 हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो फॉस्फोरस को क्या एज्यूम कर लोगे, एक्स, ऐसे कितने हैं, 2x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा बेटा। एक ऑक्सीजन कितना देता है, माइनस का 2, ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 14, राइट साइड में 0 कर दोगे। इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो कितना होगा, 4 − 14 10 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x − 10 = 0, तो एक्स कितना आ जाएगा, प्लस का 5, तो फॉस्फोरस तो कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक सभी को? देखो ये एग्जांपल थोड़े से स्लाइटली आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल से आप फेमिलियर नहीं हुए होंगे। ये एग्जांपल क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। अंडरस्टैंड हो गया? ये एग्जांपल क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्लास 12th में आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये सारे क्या है ना चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 12th में, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो थोड़ा इससे आप फेमिलियर हो जाइए। देखो जो इसमें पहले लिखा जाता है ना, तो ये भी समझो सॉल्ट की तरह ही होता है। क्या होता है, सॉल्ट की तरह होता है। तो जो पहले लिखा गया ना, ये प्लस होगा समझो। अंडरस्टैंड हो गया? तरीका सब कुछ वैसे ही करोगे, एक्स एज्यूम कर। अब देखो इसमें ये एग्जांपल है, इस वाले के पहले देखो स्पेशली H2O2, ये सारे के सारे क्या ना एक्सेप्शनल एग्जांपल है। मतलब इसमें क्या ना कि अगर आप एक्स मान के करोगे तो सब गलत हो जाएगा। तो ये सारे को क्या फॉलो करोगे, स्ट्रक्चर से फॉलो करोगे, क्योंकि इन सारे में क्या ना देखो स्पेशली क्या ना, ये H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड कहते हैं इसको। इसको बेटा क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन परोक्साइड बोला जाता है। तो आओ जरा इसमें देखते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। देखो बेटा इसमें 2 ऑक्सीजन समझो हमें एज्यूम करना है कुछ ऐसे। इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को ऐसे आप दिखा दो। अंडरस्टैंड हो गया? इस सब में मतलब इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, इन दोनों में क्या ना परोक्सी लिंकेज मौजूद है। तो परोक्सी लिंकेज का मतलब क्या ना, ओ लिंकेज को परोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, परोक्सी बोला जाता है। तो देखो इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, एक ऑक्सीजन जो है ना देखो 2 बॉन्ड बनाता है, ये यूनिवर्सल पैटर्न है। और देखो एक हाइड्रोजन जो होता है ना, एक ही बोन बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की देखो इतनी हैसियत है कि 2 बोन बना सकता है। क्लियर हो गया सभी को ना? तो अब क्या ना कि ऑक्सीजन को ऐसे सेट करो ताकि इसका क्या ना स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो जाए। अंडरस्टैंड हो गया? तो बेटा ये ओ के साथ एच जोड़ दिए और इस ओ के साथ क्या जोड़ दिए, एच जोड़ दिए। देखो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया ना। अब जरा चेक करो, अब मेरे को क्या चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कैसे
गुड, तो इसके ऊपर बेटा क्या चार्ज आएगा, माइनस वन आएगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस वन आएगा। इसमें और इसमें जरा चेक करो, क्योंकि देखो ये वाले दोनों सेम चार्ज है ना, तो इस पर कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगा। अब देखो बेटा इस पर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो इस पर क्या आएगा, प्लस वन आएगा। तो देखो दो एटम जब डिफरेंट होंगे तभी क्या ना पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हो। जब दोनों एटम सेम रहेगा तो उस पर पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हो जाएंगे ना, अंडरस्टैंड हो गया। जब दो अपोजिट एलिमेंट होंगे तभी उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा। बेटा इसमें माइनस वन हो गया, इसमें माइनस वन हो गया, इसी को जब आप दोनों को जोड़ोगे तो इसी को क्या लिखते हो, ओ टू माइनस टू लिख सकते हो। इसी को बोलते हैं परोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोक्साइड। और ओ लिंकेज को क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परोक्सी लिंकेज। अंडरस्टैंड हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ईच ऑक्सीजन इज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से, गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मेरे को क्या चेक करना है, ऑक्सीजन पे और क्लोरीन पे चेक करना है, ठीक है बेटा। देखो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, जनरली ऑक्सीजन क्या होता है कि माइनस टू शो करता है, लेकिन ये केस क्या है बेटा ना, ठीक अपोजिट हो जाएगा। जानते हो क्यों, आओ जरा चेक करते हैं स्ट्रक्चर में। देखो OF2 में कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, देखो सब कुछ एक ही ट्रिक है। जो देखो अगर ऐसे कंपाउंड दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, तो जो लीस्ट एलिमेंट होते हैं, जो लीस्ट एलिमेंट होते हैं उसको रखोगे सेंटर पे, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट बोला जाएगा, क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा। तो फ्लोरीन जरा चेक कर लो बेटा, तो फ्लोरीन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो फ्लोरीन के बैलेंस में क्या होता है, सात इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना आठ पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन से, इस वाले के इलेक्ट्रॉन से ये एक बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आया सभी को। अब जरा चेक करो यहाँ पे ऑक्सीजन में फ्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बेटा फ्लोरीन होता है। देखो मैंने एक रूल बताया था कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। तो इस पे देखो क्या चार्ज आएगा, माइनस वन आएगा। अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो पीछे क्या छोड़ेगा, इसके प्लस वन छोड़ेगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसमें और इस पे चेक करो बेटा, ये क्या शो करेगा, माइनस वन, तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस वन। अब इस ऑक्सीजन पे देख लो कितना आ गया, प्लस टू आ गया। क्लियर हो बेटा, ये क्या शो किया, प्लस टू शो किया। अंडरस्टैंड हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या ना, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस था। जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस टू शो करता है। नोट कर लो, अगला एग्जांपल देखो, H2 H2O। अब बेटा देखो इसमें नेक्स्ट हमारे पास है H2 H2O8। हमें इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जरा तुम लोग चेक करो, ऐसे एक्स मान के चेक करो सल्फर पे कितना आएगा, ऐसे जरा चेक करो, पहले एक्स मेथड से करो ताकि तुमको ये मालूम चलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है। जब इसको एक्स से अज्यूम करोगे तो बेटा हाइड्रोजन कितना देता है, दो देता है, मतलब एक हाइड्रोजन एक देगा तो दो से कितना देगा, दो देगा। इसको सल्फर को एक्स मानोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये दो हो गया, ये 2x हो गया, माइनस का 16, तो दो में से माइनस 16 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। और समझो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 आ गया बेटा। अगर मैं इसको ऐसे देखो निकालो यहाँ पर, तो क्या करोगे, इस वाले को दो करोगे, प्लस क्या करोगे, 2x आएगा, माइनस का बेटा 16 आएगा, कोई चार्ज नहीं है, जीरो कर दोगे। तो देखो ये दो हो गया, और इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, तो ये बेटा 2x माइनस का 14 इक्वल टू जीरो, और ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू देखो प्लस 7 आ रहा है। तो क्या ये तुम्हारा आंसर सही, देखो यही सब क्वेश्चन कहना कि आपको यही सब आपको मिस्टेक करेगा। देखो यहाँ पर मेरे को फोकस करो अच्छे से, क्या ये तुम्हारा आंसर सही दिख रहा है बेटा। ये कहना देखो सल्फर के बैलेंस में होता कितना है बेटा, 6 होता है, तो यहाँ पर 7 दिखता है। देखो यही सब कहना पेपर में आपको मिस्टेक होगा, क्योंकि ये सल्फर जो है एक्चुअल में बैलेंस में 6 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या ना, गलत है। अगर क्या ना कि बैलेंस के इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो समझ जाना कि उसको हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, क्योंकि इसमें परोक्सी लिंकेज मौजूद है। क्योंकि सल्फर जो है मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, और 6 से कम बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बना सकता है। समझ में आ गया अच्छे से, यदि ऑप्शन में 6 से ज्यादा है तो उसको डिलीट कर दोगे। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। और देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इसको क्या ना अलग से नाम भी नोट कर लो, इसको बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, या इसी को कॉमन यूज करते हैं मार्शल एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, मार्शल एसिड। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे,
अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। देखो इसमें क्या ना, देखो सल्फ, देखिए मेरे को फोकस करिए। देखो इसमें क्या ना, पहले सल्फर कितने बेटा, दो है, समझो सल्फर कितने हैं, दो, अंडरस्टैंड हो गया। मैंने इसमें यूज किया परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले क्या करोगे ना, तुम एक सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाते हो, तुम एक सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ ऐसे ही तो बनाते हो बेटा। एक सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा साइड में देखा जाए, H2SO4 समझो, जरा समझो क्या है। देखो H2 इसका जब बनाओगे तो आप यही तो बनाते थे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड हो गया। तो इसमें क्या करोगे, दो सल्फर को देखो आपने जोड़ दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसे यहाँ बनेगा, समझो जरा अच्छे से। देखो एक सल्फ्यूरिक तुम्हारा कुछ ऐसे दिखता है और एक सल्फ्यूरिक तुम्हारा कुछ ऐसे दिखता है। अब जरा चेक करो कितने ऑक्सीजन बचे, देखो 3, 3, 6 खत्म हो गए ना, अभी कितना आपके पास मार्केट में बचा हुआ बेटा, चेक कर लो, 8 है ना, 6 खर्च हो गए, कितने बचे अभी, अभी आपके पास 2 बचे हैं। 2 को कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ना है ताकि सल्फर और ऑक्सीजन की दोनों की वैलेंसी संतुष्ट हो जाए, समझ में आया सभी को बेटा। देखो ये तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड हो गया। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक समझो, यदि क्या ना इसको देखो जब क्लीवेज करोगे, यदि क्या कर दो इसको क्लीवेज कर दोगे इसको यहाँ पर, तो एक एच अगर सपोज क्या ना इसको दे दो, तो देखो इससे क्या बनेगा, एक सल्फ्यूरिक बनेगा, और यहाँ पर एक एच दे दोगे तो इससे एक सल्फ्यूरिक बनेगा। देखो मैंने इसमें नाम क्या यूज किया, यानी मैंने इसमें नाम यूज किया, इसको बोलते हैं परऑक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं परऑक्सी, और एक सल्फ्यूरिक ये हो गया और एक सल्फ्यूरिक ये हो गया। जब दोनों सिमिलर होते हैं तो क्या यूज करोगे, डाई, क्या यूज करोगे बेटा, डाई। तो इसका नाम क्या आ गया, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे देखो इसका नाम यूज करते हैं, अंडरस्टैंड हो गया सभी को, फिर से समझो जरा अच्छे से। देखो इतने को बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, इतने को बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, जब दो सिमिलर आते हैं तो क्या यूज करते हो वर्ड, डाई। जैसे ऑर्गेनिक में जब सिमिलर आएगा दो के लिए तो डाई यूज करोगे, तीन आएगा तो ट्राई यूज करोगे, चार आएगा तो टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सभी क्लियर हो गए अच्छे से। तो इसमें क्या ना, देखो इसी को बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, तो नाम क्या यूज करोगे, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, मार्शल एसिड, दूसरा नाम क्या लिखोगे, मार्शल एसिड। तो दिस इज द नेम ऑफ परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड बोलते हैं, अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा चेक करो, अब निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब एक्सेप्शनल एग्जांपल है, क्या बेटा, एक्सेप्शनल एग्जांपल है। तो जब भी क्या ना बैलेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जब भी बैलेंस से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगे तो समझ जाना उसमें स्ट्रक्चर मेथड फॉलो करना है, अंडरस्टैंड हो गया। अब चेक करो बेटा यहाँ पे, इसको निकालो जरा अच्छे से, सल्फर इसमें निकालो जरा, सल्फर कैसे चेक करोगे इसको जरा देखो, देखो यहां पर दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो जब दो बॉन्ड होगा तो क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि साइज ऑक्सीजन का छोटा है ना, जब साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा, अट्रैक्शन डोमिनेंट होने से खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, अंडरस्टैंड हो गया। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को कहा जाता है। चेक करो जरा अच्छे से, तो ये कितना शो करेगा, -2, तो ये सल्फर पे क्या आ गया बेटा, +2 आ गया। अब इसको हाइड्रोजन कटा दो, मेरे को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला सल्फर पे, तो बेटा इधर से कितना शो करेगा, -2, तो इधर से कितना आएगा, +2, ये देखो -1, ये क्या शो करेगा, +1। चेक करो कितना यहाँ पर, -1 इधर से मिल गया और +2 कितना, अभी 5 हुआ ना सल्फर में, और इसमें चेक करो इधर क्या शो करेगा, -1, तो ये क्या शो करेगा, +1। अब जोड़ो जरा कितना आ गया, देखो 2, 2, 4 मतलब इधर से 2, इधर से 2, इधर से 1 और इधर से मिला 1, तो टोटल कितना आ गया, +6 आ गया। तो जितना ये शो करेगा उतना ये क्या शो करेगा, +6, ये भी शो करेगा, अंडरस्टैंड हो गया। ये तुम्हारे पास क्या था, एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, क्लियर हो गया अच्छे से। व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, Br3O8, पहले क्या ना कि आप x मान के करो जरा, इसमें इसको जरा निकालिए, इसमें क्या ना कि आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा, चेक करिए इसमें Br3, और मेरा पर्पज है कि इसका भी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करना बेटा, Br3O8, अंडरस्टैंड हो गया, जरा बनाओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, Br3O8। Br3O8 बनाइए जरा,
चलो मेरे से एक बार वेरीफाई करा लो, मेरे से एक बार वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है, इसको मेरे से वेरीफाई करा लो एक बार। देखो BR3O8 है तो कैसे बनाओगे, इसमें BR हो गया, ठीक है, पहले क्या करोगे, कॉमन पैटर्न ये ना कि तीन BR बना लो, क्लियर हो गया, पहले क्या तरीका बेटा कि तीन BR आप बना लीजिए। तो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। देखो स्ट्रक्चर बनाने का शानदार ट्रिक समझो, पहले शानदार ट्रिक ये है कि बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतना ही वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में क्या ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब चीजें अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। तो जरा गेस करो, हमें एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं होता है, हमें क्या ना कि इसका पीरियड के जो पैटर्न समझना है कि किस पीरियड में आता है। फ्लोरिन फैमिली में आता है तो फ्लोरिन 700 करेगा तो इसके भी बैलेंस में कितना आएगा, साथ ही तो आएगा। हमें इससे मतलब नहीं कि एटॉमिक नंबर इसका क्या है, उससे हमारी केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे याद करोगे, ये 17 ग्रुप से आता है, किससे याद बेटा, 17 ग्रुप से। तो 17 ग्रुप का देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, फकल बरैयट, क्या बताया था, फकल बरैयट। तो देखो फ्लोरिन आ गया, क्लोरिन आ गया, ब्रोमिन आ गया, आयोडीन आ गया, एस्टेटाइन आ गया, समझ में आया बेटा। इन सब में क्या शो करेगा, 7 7 7 और ये 7 7 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, अंडरस्टैंड हो गया। तो अब इससे तुम्हें क्या मालूम चलता है कि ब्रोमीन जो है, ईच ब्रोमीन जो है कम से कम 7 बॉन्ड बना सकता है, 7 से ज्यादा नहीं बना सकता है और 7 से कम बना सकता है। यही देखो देखो गोल्डन ट्रिक है समझो, यही तुम्हारे पास क्या ना समझो अपने आप पे एक ब्रह्मास्त्र है बेटा। 7 क्या ना मैक्सिमम है, 7 से ज्यादा नहीं बना सकता। और देखो ऑक्सीजन का रूल हमें पहले से मालूम ही है, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, भाई 6 होता है ना, तो 6 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना को शेयर करेगा, 2 को शेयर करेगा ना, तो 2 से कितना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2 ही तो बना सकता है बेटा। तो जरा चेक करो, देखो पहले क्या करो ना, ऐसे सेट करो, देखो एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबली बॉन्ड बनाएगा, ऐसे कितने मार्केट में है, 8 ऑक्सीजन है, तो बेटा इसे क्या बना दो, पहले तुम 3 3 ऑक्सीजन को बना दो, ठीक है, इससे क्या ना तुम सिंगल बॉन्ड को दिखा दो पहले अच्छे से, पहले कॉर्नर वाले को सेटिस्फाइड करते हैं, अंडरस्टैंड हो गया। तो यही वाला डायग्राम क्या कर दो, इधर कॉपी कर दो, तो बेटा ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब जरा चेक करो, देखो पहले चेक करते हैं, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, और इससे एक बॉन्ड कितना हो गया, 7 हो गया ना, मतलब हमारा स्ट्रक्चर एक्यूरेट जा रहा है, मतलब ये देखो गेस करने का तरीका होता है। अभी भी देखो हमारे मार्केट में क्या ना, देखो 6 खर्च हो गया, अभी बचा कितना, 2 बचा है। अब देखो इसका भी बचा हुआ है ना बैलेंस में इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, अभी इसके पास कितना बचा हुआ है, देखो 7 में से 2 खर्च हो गए, बचा कितना, 5 बचा है ना, तो मतलब अभी ये 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो पहले एक ऑक्सीजन को डबली बॉन्ड से संतुष्ट करा दीजिए, फिर क्या करोगे, एक और संतुष्ट करा दीजिए, बन गया देखो स्ट्रक्चर। अब क्या ना, अब इससे एक और बॉन्ड बना सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये सेटिस्फाइड हो गया। देखो ये अपने आप में एक तगड़ा स्ट्रक्चर है समझो, अभी तक का तुम्हारे क्लास 11th में सबसे हॉरिबल डायग्राम क्या रहा यही माना जाएगा, अंडरस्टैंड हो गया। सबसे भयानक स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो BR3O8 है समझो बेटा, क्लियर हो गया। तो ये आपके समझो क्लास 11th का सबसे भयानक डायग्राम में से यही है। और जब क्लास 12th में जाओगे इससे भी क्या ना बड्डा बड्डा स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, सभी क्लियर हो गया। देखो ये भी अपने आप में हॉरिबल था, H2O8 है, मतलब ये सब क्या ना कॉपी के क्या ना थोड़ा शोभा बढ़ाएंगे, इतने भयानक भयानक समझो स्ट्रक्चर ये सब, लो क्लियर हो गया सभी को। अब क्या ना वही तरीका है, स्ट्रक्चर बन गया तो ऑक्सीडेशन से निकालना आसान है। देखो कैसे निकालोगे, तो बेटा ये क्या शो करेगा, -2, ये क्या शो करेगा, -2 है तो क्या शो करेगा, +2, गुड। ये इधर से चेक करो, -2 तो ये क्या शो करेगा, +2, -2 तो बेटा ये क्या शो करेगा, +2। तो यहाँ ब्रोमीन पे कितना आ गया बेटा, ब्रोमीन पे कितना आ गया, +6 आ गया। इसमें जरा चेक करो, इधर देखो -2 बेटा, इधर देखो -2, तो इधर से भी +2 और इधर से भी +2, ये क्या शो करेगा, +4 शो करेगा, अंडरस्टैंड हो गया। इधर चेक करो जरा अच्छे से, इसको निकालो, देखो ये भी शो करेगा +6, बोलो सही है ना। अब देखो इसमें क्या ना, इसका क्या ना, देखो एक ब्रोमीन जो है +6, एक क्या शो कर रहा है +4, एक क्या शो कर रहा है +6, तो इसका एवरेज निकालो बेटा, क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। तो +6 +4 +6 6 4 10 और 10 6 16, 16 आ गया ना ब्रोमीन का ऐसे। और कितने ब्रोमीन है बेटा, कितने ब्रोमीन है, 3 है, तो इसका क्या निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, 16 बाई कितना आ जाएगा, 3, तो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, अंडरस्टैंड हो गया, नोट कर लो यहाँ तक।